सॉरी बिंदु पाजी, अगर हम गलत बोल जाएं तो माफ कर देना। दरअसल बिंदु दारा सिंह का कल एक इंटरव्यू सामने आया और उस इंटरव्यू के बाद हमारे फैंस में ये मानो भौकाल मचा हुआ है, भूकंप सा आ गया हो। बिंदु पाजी का पहले भी इंटरव्यू आया था, वहां पर बिंदु पाजी ने क्या क्या बोला था, पहले बिंदु पाजी ट्रोल हुए, उसके बाद से इंटरव्यू आया, फिर बिंदु पाजी शांत हो गए। हाँ जी, फैंस भी शांत, हाँ जी बिंदु दारा सिंह बढ़िया है। मगर फिर बिंदु दारा सिंह का कल एक और इंटरव्यू आया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। बिंदु पाजी सॉरी हाँ चलिए, बिंदु पाजी ने एक अच्छी बात कही मगर एक बुरी भी बात कही, क्या अच्छी और क्या बुरी, दोनों बातें हम आपसे शेयर करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और कॉमेंट वॉमेंट करके बता ही देना भाई क्या है। सीन सारा ये है, बिंदु दारा सिंह से सिद्धार्थ के बारे में पूछा गया, सिद्धार्थ शुक्ला के आप करीबी दोस्त हैं। सिद्धार्थ के आप बहुत करीबी दोस्त हैं, क्या जानते हैं? सिद्धार्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, ट्रेंड हो रहा है, कुछ बताइए बिंदु दारा सिंह जी, बताइए कुछ, फैंस को जानना है। पाजी बोल पड़े, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ये मानो के हद से ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद नहीं। हमने बिग बॉस 13 में देखा, अच्छी बात है, शहनाज गिल भी अपना काम कर रही है, सिद्धार्थ भी अपना काम कर रहा है, दोनों अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो बिंदु पाजी यहां पर यह भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा अगर ये दोनों शादी कर लेते हैं। पहले बिंदु पाजी कह रहे थे नहीं, शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला नॉट मैच, मगर अभी बिंदु पाजी हाँ शादी कर ले, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। मगर अब बिंदु दारा सिंह ने जो ये सब कह डाला है, मैं खुश रहूँगा अगर ये दोनों शादी कर लें, क्या ये वाली बात सच है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे बिंदु दारा सिंह को क्या फ़ायदा होगा? शहनाज सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से अगर शादी कर लें, इससे बिंदु पाजी को क्या बेनिफिट होगा? फैंस को बेनिफिट होगा क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं, बिंदु पाजी भी क्या देखना चाहते हैं। चलिए भाई, दबे बिंदु पाजी ने यहाँ पर शादी को लेकर के साफ साफ अपने ग्रजिस रखे, अपनी बातें सामने लाकर पेश करी कि अगर सिद्धार्थ शहनाज शादी कर लें इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा इन दोनों से खुश होऊंगा, दोनों काम भी अच्छे से कर रहा है, दोनों के बीच में बॉन्ड भी एक अच्छा है, दोस्ती एक अच्छी है, समझते अच्छी तरह से हैं, फैंस का प्यार भी मिलता है, वो सब चीज़ें हैं। मगर गुड न्यूज़ तो आपने सुन लिया, बैड न्यूज़ भी सुन लीजिए। बैड न्यूज़ फिलहाल ये है, बिंदु पाजी का ये भी कहना है कि अब वो इनका पर्सनल मैटर है, वो इनका क्या है, वो इनका पर्सनल मैटर है कि शादी करें या ना करें, वो इनके ऊपर डिपेंड है, हमारे अकॉर्डिंगली करना चाहिए, हमें इसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये सब बिंदु दारा सिंह कहते हैं। अच्छा, बिंदु दारा सिंह बाद में फंस गए, बिंदु दारा सिंह बड़ा बुरा फंसे। बिंदु दारा सिंह से पूछा गया, अच्छा बिंदु जी आप ये बताइए, आप इतनी सारी बातें जानते हैं, आपको ये सब कैसे पता इन दोनों के बारे में? बिंदु हाँ मुझे पता है भाई मुझे पता है, जानते हैं वो अच्छे से, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। बिंदु पाजी वो चलता है, इतना होता है। तो बिंदु दारा सिंह से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सिद्धार्थ शुक्ला इतना ज़्यादा प्राइवेट शख्स, जो अपनी बहन को बात पूरी ना बताए, जो अपनी महबूबा यानी कि शहनाज गिल को बात पूरी ना बताए, वो बिंदु दारा सिंह को कैसे बता सकता है यार अपनी पर्सनल बातें? शहनाज के बारे में कोई जिक्र मेरे अकॉर्डिंगली वैसे तो हुआ नहीं होगा बिंदु दारा सिंह के सामने, क्योंकि बिंदु दारा सिंह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है, एक बड़ा ट्विस्ट होगा वीडियो की एंड में बताऊंगा, समझो थोड़ी सी बात को। बात यह है कि बिंदु पाजी ने साफ साफ कहा कि मुझे पता है सब कुछ, और सिद्धार्थ शुक्ला किसी को बताना पसंद नहीं करते, इस बात को शहनाज ने भी एग्री किया था कि बोलता ही तो नहीं है, वो चीज़ है ना। तो बाय द वे सिद्धार्थ इतना प्राइवेट शख्स, वो दूसरों को बताता ही नहीं अगला, है ना, सोशल मीडिया पर हमें भी वो सारे काम, जितने भी सारे रिएक्शन सामने आते हैं, जितने भी सारे इशारे नज़रिए, उन सब को लेकर हम आइडिया लगाते हैं
समझिएगा मेरी बात को, उन सब चीज़ों को लेकर हम आइडिया लगाते हैं, दोनों के बीच में बेहद ज़्यादा प्यार है। जैसा हमने सीजन 13 में देखा, हमने आइडिया लगाया डेफिनेटली ये दोनों अलग ही नहीं होने वाले, इनके बीच में हद से ज़्यादा प्यार है। और बिग बॉस सीजन 13 ख़त्म हुए हुए आज एक साल से ऊपर का वक्त हो गया है, मगर आज भी ये दोनों साथ में और उम्मीद करेंगे कि ये साथ रहें, है ना। तो हमने इन सब चीज़ों का आइडिया लगाया, सिद्धार्थ ने नहीं बताया, हमने आइडिया लगाया कि हाँ जो ठीक है, मगर विंदु दारा सिंह कैसे कह सकते हैं ये सब कॉन्फिडेंस के साथ में। यहाँ पर एक बड़ा डाउट जो है वो बहुत बड़ा आकर खड़ा होता है। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात इसमें ये है कि विंदु दारा सिंह एक बार सेडनास के बारे में गलत बोल गए थे, वहाँ पर विंदु दारा सिंह की हद से ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, और विंदु दारा सिंह ने स्पेशल कुछ बाद में कुछ वीडियोस बनाकर भेजे थे कि नहीं भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा वो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था ऐसा बोलने का, वो मैंने गलत बोल दिया भाई। चलता है इतना तो होता है। तो विंदु दारा सिंह जी ने वहाँ पर साफ साफ कबूलनामा ले लिया था, मैंने कुछ गलत नहीं कहा भाई, है ना। उसके बाद से विंदु दारा सिंह अच्छे हो गए। तो अब सेडनास की बात दोबारा से रिपीट की गई, और जब बात रिपीट की गई तो मुद्दा सामने ये आया कि विंदु जी ने सेडनास को लेकर के अच्छी बातें कही। चलो मानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला प्राइवेट शख्स जो किसी को बात अपनी शेयर नहीं करता, विंदु दारा सिंह कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने इतना भी माना। क्या विंदु दारा सिंह फैन से ट्रोल होने की वजह से, ट्रोल होने के डर से ये सब कह रहे हैं? ये मेरा एक बड़ा सवाल है सभी से, क्या विंदु पाजी फैंस के ट्रोल होने से बचने के लिए ये सब बोल रहे हैं, या फिर नहीं भाई साहब कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो डाउट है सेडनास के बॉन्ड में, नहीं विंदु दारा सिंह, क्योंकि सेडनास का बॉन्ड प्योर है, सेडनास का रिलेशन प्योर है, दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार करते हैं, बखूबी प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और दोनों आगे चलकर हमें उम्मीद है पूरी, जैसी हमने उम्मीद सीजन 13 में लगा कर रखी थी, और अभी भी हमारे को वही सब उम्मीद है कि ये शादी डेफिनेटली करेंगे, और कुछ नहीं पता कि इंगेजमेंट भी हो गई हो, इस बात को हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये बात है प्राइवेट, समझ गए। अब आप मुझे बताइए, क्या विंदु दारा सिंह सभी फैंस के डर से ये सब कह रहे हैं या फिर नहीं? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो तो करना बनता ही है, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स पर बल के आपसे मिस ना हो सके।